हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल इजी आइडियाज़ कॉर्नर विथ राखी में। तो आज मैं लेकर आई हूँ भोलेनाथ जी के व्रत सोमवार की कथा। तो आप लोग कथा को ध्यानपूर्वक सुनिएगा। तो चलिए मैं कथा स्टार्ट करती हूँ। सोमवार व्रत कथा प्रारंभ। एक साहूकार बहुत अमीर था, उसके पास धन की कोई कमी नहीं थी। साहूकार के पास सभी सुख और ऐश्वर्य के साधन थे, किंतु उसको एक ही दुख था कि उसके कोई औलाद नहीं थी। दिन रात वह इसी चिंता में रहता था और वह पुत्र पाने के लिए हर सोमवार को भगवान चंद्रदेव व शिवजी की पूजा करता व व्रत रखता था। साहूकार की भोलेनाथ के प्रति ऐसी भक्ति देखकर एक बार महापार्वती जी ने शिवजी से कहा, हे नाथ, ये साहूकार आपका अनन्य भक्त है और सदैव ही आपका व्रत और पूजा भक्ति भाव से किया करता है। आप कृपया करके इसकी मनोकामना को पूरी कर दें। पार्वती जी के ऐसे वचन सुनकर भोलेनाथ ने माँ गौरी से कहा, हे पार्वती, ये संसार एक कर्म क्षेत्र है। यहाँ जो भी जैसा कार्य करता है उसे वैसा ही फल मिलता है, अर्थात जैसा कार्य मनुष्य करता है वैसा ही परिणाम भोगता है। किंतु माता पार्वती आग्रह पूर्वक बोली, हे महादेव, ये आपका अनन्य भक्त है। यदि इसको कोई भी दुख है तो आपको उसे अवश्य दूर करना चाहिए। यदि आप अपने भक्तों की मनोकामना पूरी नहीं करेंगे तो क्यों मनुष्य आपकी भक्ति सेवा व पूजा करेंगे। पार्वती जी के इस आग्रह को सुनकर शिव जी ने कहा, हे शिवे, इस साहूकार के कोई पुत्र नहीं है, इसी कारण यह दिन रात चिंतित व दुखी रहता है। इसके भाग में संतान न होने पर भी मैं इसे पुत्र प्राप्ति के लिए वरदान देता हूँ, किंतु इसका पुत्र केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रह सकता है, इसके बाद वह मर जाएगा। इससे अधिक मैं साहूकार के लिए कुछ भी नहीं कर सकता। ये सब बातें साहूकार सुन रहा था। उसे ये सारी बातें सुनकर ना कोई खुशी हुई ना ही कोई दुख। वह पूर्वक शिव की पूजा व व्रत करता रहा। कुछ समय पश्चात साहूकार की पत्नी गर्भवती हो गई और 10वें महीने में उसने एक बहुत ही सुंदर पुत्र को जन्म दिया। साहूकार के घर में बहुत खुशियां मनाई गईं, किंतु साहूकार ने अपने पुत्र की 12 वर्ष की उम्र जानकर कोई खुशी प्रकट नहीं की और इस संबंध में किसी को कोई भेद भी नहीं बताया। वह बालक धीरे धीरे बड़ा होने लगा। जब वह बालक 11 साल का हो गया तो बालक की माता ने साहूकार से उसके विवाह के लिए कहा, किंतु साहूकार ने कहा कि मैं इसे काशी में पढ़ने भेजूंगा। साहूकार ने अपने साले को बुलाकर कहा कि तुम इस बालक को काशी पढ़ने के लिए ले जाओ और इसे विधिवत शिक्षा ग्रहण कराओ। साहूकार ने उसको बहुत सा धन देकर कहा कि रास्ते में जहाँ कहीं भी ठहरो वहाँ यज्ञ और ब्राह्मणों को भोजन कराते जाना। इस प्रकार वह दोनों मामा भांजे रास्ते में यज्ञ करते, दान देते और ब्राह्मणों को भोजन कराते जा रहे थे। रास्ते में एक शहर पड़ा, उस शहर में राजा की कन्या का विवाह था। एक अन्य राजा का लड़का बारात लेकर आया था, लेकिन वह एक आँख से काना था। लड़के के पिता को इस बात की चिंता थी कि वर को देखकर कन्या के माता पिता विवाह में किसी प्रकार की अड़चन ना डालें। इसी कारण जब उन्होंने साहूकार के अति सुंदर बेटे को देखा तो उनके मन में विचार आया कि क्यों न इस लड़के से विवाह का कार्य पूर्ण करा लिया जाए। ये विचार कर उसने लड़के और उसके मामा से कहा कि यदि आप फेरे व कन्यादान का कार्य पूर्ण करा देंगे तो आपकी बड़ी कृपा होगी और हम आपको बहुत सारा धन देंगे। साहूकार के लड़के और उसके मामा ने इस बात को स्वीकार कर लिया। विवाह का काम भली प्रकार से पूरा हो गया। जब वह लड़का जाने लगा तो उसने चुपके से राजकुमारी की चुनरी पर लिख दिया कि तेरा विवाह मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिसके साथ तुम्हें भेजा जाएगा वह एक आँख से काना है। मैं काशी जी को जा रहा हूँ। राजकुमारी ने जब इस प्रकार लिखा पाया तो उसने काने राजकुमार के साथ जाने से इनकार कर दिया और कहा कि यह मेरा पति नहीं है, मेरा विवाह जिसके साथ हुआ है वह काशी जी गया है। राजकुमारी के पिता ने ये सब जब सुना तो उसने अपनी कन्या को विदा करने से इनकार कर दिया। बारात वापस चली गई। उधर साहूकार का लड़का और उसका मामा काशी जी पहुँचे। वहाँ लड़के ने पढ़ना शुरू किया तथा अपना अतिरिक्त समय मामा भांजे यज्ञ दान आदि में व्यतीत करने लगे। इस प्रकार कई महीने बीत गए। जब लड़का 12 साल का हुआ तो उस लड़की के मामा ने यज्ञ का आयोजन कर रखा था। अचानक ही लड़की की तबीयत खराब हो गई। लड़की के मामा ने कहा कि अंदर जाकर सो जाओ। लड़का अंदर जाकर सो गया। थोड़ी देर पश्चात लड़का मर गया। जब लड़की के मामा ने देखा कि वह मर गया है तो वह बहुत दुखी हुआ। उसने सोचा कि मैं पहले यज्ञ पूरा कर लूँ तब कुछ सोचूंगा।
लड़की के मामा ने यज्ञ पूरा किया और फिर रोना प्रारंभ कर दिया। जब वह जोर जोर से रो रहा था, संयोगवश शिव जी और पार्वती जी उधर से जा रहे थे। पार्वती जी ने भगवान भोलेनाथ से कहा, हे नाथ, कोई दुखी व्यक्ति रो रहा है, उसके कष्टों को दूर कर दो। जब शिव जी और पार्वती जी वहाँ पहुँचे तो उन्होंने देखा कि वहाँ पर एक लड़का मरा हुआ पड़ा है। तब पार्वती जी ने देखते ही लड़के को पहचान लिया। पार्वती जी ने लड़के के मरने का कारण पूछा तो भोलेनाथ ने बताया, हे गौरी, इस लड़की की आयु इतनी ही थी, ये अपनी आयु पूरी कर चुका है। तब पार्वती जी ने विनम्रतापूर्वक कहा, महाराज, कृपा करके आप इस लड़के को जीवित कर दीजिए, नहीं तो इसके माता पिता इसके वियोग में तड़प तड़प कर अपनी जान दे देंगे। माता पार्वती की बातें सुनकर शिव जी ने लड़के को पुनः जीवित कर दिया। शिव जी की कृपा से लड़का जीवित हो गया। शिव शंकर व पार्वती जी शिव धाम चले गए। शिक्षा पूरी होने पर लड़का और उसका मामा पहले की तरह यज्ञ करते, ब्राह्मणों को भोजन तथा दक्षिणा देते हुए अपने घर की ओर चल दिए। रास्ते में दोनों उसी शहर में आए जहाँ पर उस लड़की की शादी हुई थी। वहाँ पहुँचकर दोनों ने यज्ञ करना शुरू कर दिया। जब वे दोनों यज्ञ कर रहे थे तो उस लड़के के ससुर यानी वहाँ के राजा ने, जो उधर से घोड़े पर बैठकर अपने सेवकों के साथ जा रहा था, उसने लड़के को पहचान लिया। राजा ने महल में ले जाकर दोनों की खूब सेवा की। कुछ समय राजा के महल में रहने के बाद लड़के ने राजा से जाने की आज्ञा ली। राजा ने अपनी लड़की को लड़के के साथ विदा किया और साथ में बहुत सा धन और दासियों को भी भेजा। जब वे अपने शहर में आए तो लड़के के मामा ने कहा, पहले मैं तुम्हारे माता पिता को तुम्हारे आने की खबर सुना आता हूँ, तब तक तुम पत्नी सहित यहाँ आराम करो। ऐसा कहकर लड़के का मामा साहूकार को अपने पुत्र के आने की खबर देने चला गया। घर आकर उसने देखा कि उसके बहनोई छत पर बैठे हुए हैं और उन्होंने ये प्रण कर रखा है कि यदि उनका बेटा जीवित लौट आया तो वह छत से नीचे उतर आएंगे, नहीं तो छत से कूदकर अपने प्राण त्याग देंगे। लड़की के मामा ने जब ये समाचार उन्हें सुनाया कि उनका लड़का जीवित लौट आया है तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ। तब लड़की के मामा ने शपथ खाकर कहा कि आपका पुत्र अपनी स्त्री और बहुत से धन और दास दासियों सहित घर आया है। तब साहूकार और उसकी पत्नी छत से नीचे उतर आए तथा प्रशंसा के साथ अपने बेटे और बहू का स्वागत किया। सभी प्रसन्नता के साथ रहने लगे। इस प्रकार भक्ति भाव से जो भी प्राणी सोमवार के व्रत का पालन करता है तथा प्रेम पूर्वक इस कथा को सुनता या पढ़ता है तो उसके सभी कष्ट दूर होते हैं, सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और इस लोक में सभी सुख सुविधाओं को भोगकर अंत में उसे शिवलोक की प्राप्ति होती है। इस प्रकार सोमवार के व्रत को 16 सोमवार तक करें, फिर उद्यापन करें। इस व्रत के प्रभाव से मानवों को सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। तो ये थी सोमवार की भगवान भोलेनाथ जी की कथा। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मैं ऐसे ही वीडियो लाती रहूं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए सभी को राधे राधे। ओम नमः शिवाय।